हाय फ्रेंड, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। आज जो हम फिर एक न्यू क्वेश्चन लेके आए हुए हैं और वह जो है इन ट्रांस के बारे में बताएंगे, और वह इन ट्रांस जो अगले महीने जो है एग्जाम होने वाले हैं उसी के लेवल के हम क्वेश्चन लेके आए हैं, और आप लोगों को जो हम न्यू तरीके से दिखाएंगे ताकि आप लोग सही मार्क ला सके। और आप लोग जानते हैं कि आजकल के जो एग्जाम होते हैं वह कंप्यूटर से यानी ऑनलाइन एग्जाम लिया जाता है, और ऑनलाइन एग्जाम में यानी आपको जो है शॉर्टकट देखना है, यानी लॉन्ग विधि से नहीं। अगर लॉन्ग विधि यानी लंबा विधि बनाएंगे तब तक जो क्या होगा, टाइम लॉस यानी टाइम वेस्ट होगा। इसलिए जो है हमें जो आसान विधि है उसी से देखना है ताकि बहुत ही कम समय में और सभी क्वेश्चनों का जवाब दे सके, क्योंकि आप लोग जो है इंट्रांस के परीक्षा दे करके डीएलएड बीएड में जो है एडमिशन करवाना चाहते हैं और एक शिक्षक बनना चाहते हैं। अगर आप लोगों को शिक्षक बनना है, अपना सपना को साकार करना है, तो हमारे चैनल पर बने रहिए और हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, और आप लोग देखिए जो हम एक शानदार क्वेश्चन के साथ आए हैं और उसे पूरे हौसला पूर्वक हौसला बुलंद करके देखिए। तो क्वेश्चन यह है, यदि गुना का अर्थ प्लस यानी गुना का अर्थ यहाँ पर जोड़ यानी प्लस का चिन्ह दिया है, घटाव का अर्थ जो है यहाँ पर भागा है, और घटाव का अर्थ हो गया भागा, भागा का अर्थ हो गया यहाँ पर घटाव, और प्लस फिर यहाँ पर जोड़ का चिन्ह जो है यहाँ पर गुना में है, तो कहता है इतना का मान निकालने के लिए। ये जो समीकरण दिया हुआ है इस समीकरण का हमें हल करना है, उसका आंसर क्या होगा। तो आप लोग जो है सोचते होंगे कि आखिर इतना चिन्ह दे दिया है, उस क्वेश्चन में भी चिन्ह है, उसको हम परिवर्तन कैसे करेंगे, बनाएंगे कैसे। तो उसी का जो है आज हम सोल्यूशन आप लोगों को बताएंगे ताकि सही से आप लोग क्वेश्चन बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहले हम देख रहे हैं समीकरण में यहाँ पर प्लस है, आठ प्लस सात, तो यहाँ पर जो प्लस का चिन्ह है सबसे पहले किस चीज का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है। अगर प्लस का चिन्ह यहाँ पर जो है कहीं पर देखिए, उसमें प्लस के चिन्ह में परिवर्तन करके करने के लिए कुछ कहता होगा। देखिए प्लस, प्लस का अर्थ क्या है, गुना, जहां पर प्लस है वहां पर हम कर देते हैं गुना, इसके पास है यहाँ पर गुना, तो गुना का अर्थ क्या होता है, देखिए गुना का अर्थ जो है यहाँ पर प्लस है, गुना का अर्थ क्या होता है, प्लस क्या है, और फिर यहाँ पर प्लस, तो प्लस का अर्थ फिर क्या होगा, फिर प्लस का अर्थ है गुना, तो फिर यहाँ पर क्या होगा, गुना क्या होगा, यहाँ पर गुना होगा। फिर यहाँ पर माइनस यानी घटाओ, माइनस का अर्थ क्या है, देखिए यहाँ पर भाग, यहाँ पर देंगे भाग का चिन्ह। इतना आप लोग समझ लिए, तो इस समीकरण को हम देखिए यहाँ पर लिखेंगे आठ गुने सात, लिखेंगे यहाँ पर आठ गुने सात हो गया, ठीक है, आठ चिन्ह को परिवर्तन कर लिए, आठ गुने हो गया सात, यहाँ प्लस का चिन्ह दिया है, यहाँ पर प्लस ले लेते हैं, फिर यहाँ पर कितना थ्री यानी तीन, और फिर यहाँ पर क्या चिन्ह होगा, फिर गुना है, फिर गुना का चिन्ह दिए थ्री यानी तीन, और फिर भाग में परिवर्तन हुआ है, ये घटाव का अर्थ क्या है, भाग इसमें दिया हुआ है, और माइनस था तो माइनस का हो गया भाग, और वन यहाँ पर वन हो गया। अब यहाँ पर जो हमें क्रिया करना है वो देखिए कैसे क्रिया करेंगे, तो सबसे पहले होगा भाग की क्रिया, किस चीज का क्रिया होगा, भाग, तो यहाँ पर आठ गुने सात प्लस तीन गुने एक से तीन में अगर हम भाग करेंगे तो कितना होगा, तीन, कितना होगा तीन, अब इसको इसको गुना कर लेंगे, आठ सत्ते छप्पन प्लस तीन तिया कितना होगा, ना गुना की क्रिया हो गया, अब दोनों को क्या कर लेंगे हम एड यानी जोड़ लेंगे, तो उसका आंसर नौ छ पंद्रह और पांच ऐसे ले तो हो गया छह यानी पैंसठ हो गया इसका आंसर, कोई दिक्कत। इतना जो है शानदार तरीके से आप लोग समझ लिए। उसी तरीके से जो है दूसरा क्वेश्चन है, देखिए यदि प्लस का अर्थ गुना, प्लस का अर्थ क्या कहता है यहां पर, गुना, और गुना का अर्थ है भाग, भाग का अर्थ क्या है, फिर गुना, फिर माइनस का अर्थ है प्लस, तो कहता है उस समीकरण जो है, यह समीकरण उसका हमें हल करना है, इसका आंसर कितना होगा।
जैसे इसको हल किया है उसी तरीके से इस समीकरण को भी जो है हम हल करेंगे। तो यहां पर देखिए सबसे पहले यहां पर देखिए प्लस, तो प्लस का अर्थ उसमें क्या कहा है, देखिए प्लस प्लस का अर्थ है गुना, तो यहां प्लस है तो यहां पर दे देते हैं गुना। इसके बाद है यहां पर माइनस, तो माइनस का अर्थ क्या है प्लस, यहां पर देते हैं प्लस। फिर है यहां पर गुना, तो गुना का अर्थ क्या कहता है, गुना का अर्थ है भाग, तो यहां पर देंगे भाग का चिन्ह, फिर भाग, और भाग का अर्थ क्या होता है, भाग का अर्थ है गुना, यहां पर भी क्या होगा गुना। कोई दिक्कत, और कोई दिक्कत नहीं आए तो आप लोग इसको समझते रहिए, थोड़ा आज परेशानी हो रहा है कि बगल से जो है गाड़ी ज्यादा चल रहे है। चलिए यहां पर हो गया नौ गुने चार, यहां पर लिख लेंगे नौ गुने चार प्लस आठ लिखेंगे, प्लस आठ हो गया, फिर यहां पर जब प्लस आठ हो गया भाग टू है तो भाग का चिन्ह दे के यहां पर टू कर दिए, फिर गुन्ने पांच, यहां पर गुन्ने देंगे और पांच देंगे, और यहां पर जो हम क्रिया करेंगे वो बहुत ही शानदार तरीके से आपको दिखाते हैं। सबसे पहले उसमें भाग की क्रिया करेंगे, किस चीज की क्रिया करेंगे, भाग की क्रिया करेंगे। इसके बीच में जो भाग है देखिए नौ गुन्ने चार प्लस दो से आठ में भाग करेंगे तो कितना होगा, दो चुकी आठ यानी चार, फिर यहां पर गुन्ने यह हो गया पांच, और यहां पर देखिए नौ को चार को गुना कर लेगा नौ चुका हो गया छत्तीस, फिर है प्लस और चार पंच हो गया बीस, और दोनों को एड कर लेंगे तो छह में जीरो जोड़ेंगे छह और तीन दो पांच यानी छप्पन, उसका आंसर हो गया छप्पन। इतना शानदार तरीके से आप लोग समझ चुके हैं, और आगे के जो क्वेश्चन है वह है बहुत ही इंजॉय युक्त, आप लोगों को इसमें बहुत ही इंजॉय भी आएगा इस क्वेश्चन में, और आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से हल कर पाएंगे। यदि वर्षा को गुलाबी, यदि वर्षा को गुलाबी कहते हैं, गुलाबी को बादल, और बादल को जल कहते हैं, जल को क्या कहते हैं बयार, और बयार को कहा गया है चंद्रमा, तो आप अपना हाथ किससे धोते हैं, आप अपना हाथ किससे धोते हैं। तो ऑप्शन में जो कहा गया है जल, वर्षा, चंद्रमा, बयार, तो आप लोग सोचते होंगे कि आखिर हम जल से धोएंगे हाथ किससे, हमेशा जल से धोते हैं, लेकिन यहां पर उसका जो आंसर होगा ये गलती, जल क्या होगा गलत, वर्षा भी होगा गलत, वर्षा से हम हाथ नहीं धोएंगे, चंद्रमा में हम हाथ नहीं धो सकते चंद्रमा से, ये भी गलत हो गया। बयार, देखिए यहां पर बयार, अब पहले कह दिया वर्षा यानी जल गलत, तो आप लोग कहेंगे जल कैसे गलत हो गया पहले, तो हम यहां पर जो क्वेश्चन पढ़े हैं क्वेश्चन में देखो, यानी हम जल से हाथ धोएंगे, बात सही जल से हाथ धोएंगे, लेकिन क्वेश्चन में जल को क्या कहा गया वह देखना है, क्वेश्चन में जल को कहा गया है जल को बयार, यानी जल को क्या कहा गया है बयार, यानी हम अपना हाथ जो है बयार से धोएंगे, किस से धोएंगे बयार से, हम अपना हाथ किस से धोएंगे बयार से, क्योंकि क्वेश्चन में जल को क्या कहा गया है बयार कहा गया है, समझे, उसका आंसर हुआ राइट यानी नंबर डी बयार। उसी तरीके से अगला क्वेश्चन, यह भी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखिए यदि बादल को सफेद, आप लोग कहेंगे सर ये तो शहरी की तरह है, शहरी करे ऐसे कोई बात नहीं है, यदि बादल को सफेद कहते हैं, यदि बादल को सफेद, सफेद को वर्षा, वर्षा को हरा, हरा को वायु, वायु को नीला, नीला को जल कहते हैं, तो पक्षी किसमें उड़ते हैं, पक्षी किसमें उड़ते हैं, देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो गया, अभी बहुत ही मजेदार क्वेश्चन भी है, यह बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, क्यों नहीं मजेदार होगा, सुनने में मजा आ रहा है, क्या कहा है, बादल को सफेद कहते हैं, सफेद को वर्षा, वर्षा को हरा, हरा को वायु, और वायु को नीला, नीला को जल कहा गया है, तो पक्षी किसमें उड़ते हैं, ऑप्शन है वायु, नीला, बादल, वर्षा, आप कहेंगे इसमें जो है पक्षी हवा में उड़ता है यानी वायु, लेकिन ये आंसर होगा इसमें भी गलत, क्या होगा, तब कहेंगे सर बादल में उड़ता है, तो बादल में गलत हो जाएगा, क्योंकि पहले हमें क्वेश्चन समझना है, वर्षा में तो पक्षी उड़ेगा नहीं, चलिए तो बस ये नीला,
लेकिन आप लोग सबसे पहले यह दिमाग में बात सेट कीजिए, पक्षी आखिर उड़ता है तो हवा में उड़ता है ना। पक्षी किस चीज में उड़ते हैं? हवा में, यानी हवा को कहा गया है वायु। वायु में उड़ता है पक्षी, किसमें? वायु। लेकिन क्वेश्चन में देखिए वायु को क्या कहा गया है? पक्षी तो उड़ता है ना वायु में, हवा में, उसमें क्वेश्चन में वायु को क्या कहा गया है? उसमें यह देखना है हमें, वायु को देखिए, वायु को नीला, वायु को क्या कहा गया है? नीला। वायु को क्या कहा गया है? यहां पर नीला कहा गया है, तो उसका सही आंसर होगा नीला, यानी नंबर बी, ये राइट आंसर हो गया। यानी पक्षी नीला में उड़ता है, अपना हाथ बाजार से धोते हैं। ये क्वेश्चन समझ आ गया आप लोगों को? अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कीजिए और आगे शेयर कर दीजिए, ताकि हम नए नए वीडियो बनाएंगे आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। जय हिंद, जय भारत।